हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो एक कोकनी ऑथेंटिक और पीढ़ी पीढ़ी से चली आ रही डिश है जिसे हम बचपन से खाते आए हैं। सो लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स और मीठा पोहा आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज की डिश बहुत ही जायकेदार डिलीशियस रेसिपी है जिसके इंग्रेडिएंट्स इजीली हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप मोटे पोहे लिए हैं, जो कांदे पोहे में यूज़ करते हैं वही पोहे हैं। यहाँ पर 1 कप फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट है, 1/2 कप शुगर है, 1.5 टेबलस्पून घी है, 1 टेबलस्पून कटे हुए ड्राई फ्रूट्स है बादाम पिस्ते, 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर ली है और चुटकी भर नमक है मीठे को बैलेंस करने के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो पोहे लिए उसे वॉश करने हैं। हमें एक छलनी में डालने हैं और साफ पानी से उसे 2-3 बार अच्छे से वॉश करके लेने हैं। वॉश करने का यही फायदा होता है कि उसके ऊपर जो धूल मिट्टी जो होती है और जो स्टार्च रहता है वो सब इससे निकल जाता है और पोहे अच्छे से धुले धुले हो जाते हैं। इसे एक थोड़ी देर के लिए स्ट्रेन कीजिए और स्ट्रेन होने के बाद ट्रे में उसे स्प्रेड करके रख दीजिए ताकि वो अच्छे खुले खुले और खिले खिले हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा अगला स्टेप यही है कि हमने फ्लेम ऑन किया, कढ़ाई चढ़ाई और उसमें हमने घी डाला। जब घी थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा और अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस आने लगेगी तो इसमें शामिल करना है हमें ड्राई फ्रूट्स। इस घी में ड्राई फ्रूट्स डालिए और उसे अच्छे से रोस्ट करके लीजिए, उसे फ्राई करके लीजिए ताकि ड्राई फ्रूट्स का जो क्रंच आता है वो बहुत अच्छा और डिलीशियस लगता है। जब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट होंगे तो इसमें हमें शामिल करना है फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। इसमें घी में और ड्राई फ्रूट्स में कोकोनट डालिए और उसे अच्छे से स्टर कर लीजिए ताकि सारे घी के फ्लेवर्स और ड्राई फ्रूट के फ्लेवर्स इस कोकोनट में आ जाए। जब ये कोकोनट अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी तो इसमें हमें शामिल करना है शुगर। अब इसमें जो हमने जो शुगर लिए है 1/2 कप वो इसमें हम शामिल करेंगे। इसमें शुगर शामिल करके उसे अच्छे से स्टर कीजिए, रोस्ट कीजिए ताकि सारी शुगर की जो मिठास है वो कोकोनट में आ जाए। इसे अच्छे से भून के लीजिए ताकि शुगर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और अच्छे से रोस्ट कीजिए। फिर इसके बाद हमें इसमें शामिल करना है पोहे। पोहे बहुत अच्छे दिख रहे हैं और बहुत खिले खिले हुए हैं। इस पोहे को हमें इसमें शामिल करना है और अच्छे से इसे साथ में उसके स्टर करके भून के लेना है। इस तरीके से हमें ये सारे पोहे स्टर करके भून के लेने हैं ताकि सारे फ्लेवर्स एक साथ हो जाए और जम जाए। अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक। इसमें थोड़ी सी नमक डालनी है और स्टर कर लेना है ताकि जो मिठास है उसको नमक डाल के पूरा बैलेंस हो जाता है। इस तरीके से ये सारे फ्लेवर्स एक हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे और उसे दम पे सिम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए लिड लगा के रख देंगे। इस तरीके से 2 मिनट बाद सारे पोहे बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत खिले खिले दिख रहे हैं। उसे एक अच्छा सा स्टर दीजिए अच्छे से और एक बार भून के लीजिए और इसमें हमें डालना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर लास्ट में डाली जाती है ताकि इलायची की जो फ्लेवर है वो सब में बरकरार रहे। इस तरीके से इसे अच्छे से भून के लीजिए, बहुत अच्छे से स्टर कीजिए और हमारे डिलीशियस से जो मीठे पोहे स्वीट पोहे हैं वो रेडी हो गए। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर ये मीठे पोहे स्वीट पोहे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप देना, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन जरूर दबाइए. टिल देन टेक केयर. थैंक यू. बाय बाय एंड सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो.